अल्लाह ने फरमाया जी या अय्युहल्लज़ीना आमनू, देखो आमना आमनू ईमान वालियां नू मैनू तुहानू मुखातिब करके अल्लाह सोना बराए रास्त खिताब फरमा रहा है। अल्लाह मैनू तुहानू वाज प्या करदा जे अल्लाह फरमाते ने आमनू, ऐ वो लोग जो ईमान लाए हो यानी ईमान वालियां नू अय्यू अय्यू ये तख्सीस वास्ते आंदा है यानी खास ईमान वालियां नू कर दिता गया तुहाडे वास्ते की हुक्म है ला तुकद्दिमू बैन यदिल्लाहि व रसूली, यानी अल्लाह दे रसूल तो अगे नहीं वधना, अगे ना बढ़ो। शान मुकाम दे इतबार नाल कौन अगे वध सकदा है, इहदा मतलब इहो ही होएगा अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी बात तो अगे ना वधो। दीन अपनी मर्जी नाल ना बनांदे फिरो, दीन ओ हो गए जड़ा आसमाना तो मेरे नबी दे उतरे आए। इस वास्ते अल्लाह फरमाया वत्तकुल्लाह, अल्लाह को डरो, अल्लाह अकबर, अल्लाह को डरो यानी अल्लाह रसूल दी बात दा इनकार करन तो अल्लाह को डरो, अल्लाह रसूल दी बात दे मुकाबले अंदर अपनी बात नू वड्या समझन तो अल्लाह तो डरो, अल्लाह रसूल दी बात नू रिजेक्ट करने तो अल्लाह तो डरो, अल्लाह रसूल दी बात दीन अंदर हजी कमी करने तो भी डरो, इजाफा करने तो भी डरो। तो पता नहीं अल्लाह दे बंदे हो जेदा कलमा पढ़ी दा ओदी गल मन्नी दिए, जेदा कलमा पढ़ी दा ओदे पिछे चली दा है, जेदा कलमा पढ़ी दा ओदे आखे लगी दा है, क्यों जो सोने दी जात जई किसे दी जात नहीं है, सोने दी बात जई किसे दी बात नहीं है। इस वास्ते मैं अर्ज कर रहा अल्लाह ने फरमाया अगर उत्तों होर ते विचों होर होवोगे तुहाडियां गल्लां जड़ियां तुसी करदे ओ होर होणगियां, अंदर तुहाडे दिल दे होर होएगा। इन्नल्लाह समीउन अलीम, अल्लाह सुनने वाला भी है और अंदर दियां जानने वाला भी है। उदे अगे केड़ा बंदा फराड कर सकदा है जी, केड़ा बंदा जनाब गेड़ा दे सकदा है। अल्लाह सोने नू ना ना सोनिया है जी अपने आप नू गेड़ा देगा, अपने आप दा ही नुकसान करेगा। अल्लाह ते सुनने वाला भी है, दिल दियाँ जानने वाला भी है। इधर वेखना मेरे और तुहाडे प्यारे महबूब मुहम्मद, आवाज आवे वा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सफर दे महीने दी ऐ जड़ा सफर दा महीना गुजरिया है, इस महीने दी आखरी बुध नू मेरे प्यारे नबी दी जिंदगी दी आखरी बीमारी दा आगाज होया। आखरी बुध नू मेरे नबी दी नबी बीमार होए, आखरी बीमारी दा की मतलब समझदे हो ना। अल्लाह दे प्यारे नबी फिर जां बार ना हो सक, अल्लाह दे नबी फिर सेहत याब ना हो सके, अपने अल्लाह को ही चले गए। मेरे नबी दी जिंदगी दी आखरी बीमारी होवे, तुसी सफर दी आखरी बुध नू वेखोगे कई जाहे लोग जिन्हां नू इलम नाल तल्लक ही नहीं मुफत दे बेसुरे नारे मारन वाले, शिरक दी मिलावट दे नारे मारन वाले, उस दिन कपड़े नवे पहन के नहा के बागां दे अंदर ते पार्कां दे अंदर सैर करदे नजर आणगे। मौलवियां ने दस्या ते मौलवी जाहल ने उन्हां दे कान च किसी ने फूक मारी कि जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
सफर दी आखिरी बुद्ध नूं सेहत याब होए सन। हालांकि फूक मारन वाले दज्जाल नूं भी पता है, उस यहूदी दे एजेंट नूं भी पता है कि उन्हूं पता है कि आखिरी बुद्ध सफर दी नूं उन्हें मुतालिया किया है। ये जाहिल मुल्ला और ये पैरोकार इन्होंने मुतालिया तक नहीं किया, ये सिर्फ ना दे ही मुसलमान ने उन्हें पढ़िया होया, पढ़ के साशा करता है। उन्हूं पता है कि आखिरी बुद्ध सफर दी सफर दे महीने दी अल्लाह दे प्यारे नबी दी जिंदगी दी आखिरी बीमारी का आगाज होया। उस दिन बीमारी शुरू हुई है, सर दर्द शुरू होया प्यारे नबी का। तो इन्हें आण के आख्या है, फूक मारी है, जड़े बहुते इश्क दे नारे मारन वाले उन्होंने कहा जनाब अल्लाह दे प्यारे नबी सेहत याब होए सन। चल इन्होंने जनाब फिर आपने नुकसल किया, आपने नवे कपड़े पाए सन, आपने चहलकदमी फरमाई सी, आपने सैर की सी, क्यों जी उवें करन लग गया। वो अल्लाह दे बंदे हो तुसी किसी गलत बंदे दी जड़ा नबी पाक नाल दुश्मनी करता है, प्यारे नबी का दुश्मन है सी, उहदे पिछे लग के नबी पाक की बीमारी का आगाज हो तो जश्न मनाते फिरो, बहुत गलत बात है। पुछो मेरे सोने वीरो, पुछो इन्हों तो क्यों क्यों जश्न मनाते हो, क्यों उस दिन नवे कपड़े पा के नहा धो के क्यों बागों की पार्कों की सैर करते हो, तुहानू दसणगे इहो ही गल दसणगे, आखणगे नबी पाक नू बीमारी तो सेहत हुई, इहो ही दसणगे जिहड़ी यहूदियां दे एजेंट ने इन्हां दे कन्न अंदर फूक मारी है। मौलवियां नू नहीं पता, पढ़े होण ते बतावे ना, मौलवियां नू भी नहीं पता, वह कहणगे हाँ इसे तरह ही है, मौलवी भी करते ने अगे अगे पिछे पिछे आवाम की जाती। अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह, ये दीन तो दूरी दियां बातां और जहालत की वजह तो सारे दे सारे फितने जन्म दे रहे, हाँ जी जन्म दे रहे हैं, फितने पैदा हो रहे हैं, हाँ जी जनाब, और दुनिया नु गुमराह किया जा रहा है। लोगों इलम सही हकीकी मानिया दे अंदर अपनी औलादा नु इलम पढ़ाओ इलम, ताकि पता चले अगो तुहाड़ियां नस्लां दे अंदर कयामत तक वास्ते ये इलम की दौलत जारी रहे, इलम वाले पैदा होंदे रहन ते राह रास्ते रहोगे। अगर इलम नहीं तो जहालत है, उत्थे अंधेरा ही अंधेरा, हालत नाल अंधेरा ही अंधेरा है, जुलमत ही जुलमत है। इस वास्ते मैं कहना मेरे प्यारे भाइयों, दुश्मना दी टो रखो, तो टो किवें रखोगे अगर तुहानू इलम होएगा, अगर इलम नहीं होएगा किसी का कोई पता नहीं तुहानू किथे किस को अन्ने बंदे नू जिथे मर्जी को सुट देवे, क्यों जी अपनी अखा इलम वाले नू अल्लाह ने अखा दित्तियां होंदियां ने, इलम वाला उहदा दिमाग रोशन हुंदा है, इस वास्ते उह गलत बात नू एक्सैप्ट नहीं करता। अल्लाह अकबर, इधर वेखला मेरे और तुहाडे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी दी वफात दा, मेरे नबी दी रहलत दा, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे विसाल दा दिन, यानी सारे दे सारे सीरत ने गारा ने मुहद्दिसीन ने मुअर्रखीन ने इस बात इत्तेफाक किया है, अल्लाह दे प्यारे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार वाले दिन बवक्ते चाश्त जिस वेले सूरज जरा बुलंद हो जाता है, यानी रो पीली धुप खत्म हो जाती है, बवक्ते चाश्त मेरे प्यारे नबी दी उम्र मुबारक 63 साल 4 दिन हुई है, मेरे प्यारे नबी अपने अल्लाह कोल चले गए। सोने गल ते समझ जरा, सोमवार वाला दिन पक्की बात है, अल्लाह दे नबी ने रोदा रखे है, साहबा पुछते ने अल्लाह दे प्यारे महबूब सोमवार वाले दिन का रोजा क्यों रखते हो, अल्लाह दे नबी फरमाया उस दिन मेरी वलादत दा दिन है, वलादत दा दिन है, यानी कुफर दे अंधेरे छटन वाले इवें इलम दियां रोशनियां फलान वाले। अल्लाह अकबर, अल्लाह करीम ने हांजी कुफर दे अंधेरियां नू खत्म करने वास्ते इलम दियां रोशनियां नू फैलाण वास्ते अपना महबूब नबियां दे इमाम नू मबऊस फरमाया। अल्लाह दे प्यारे नबी दुनिया ते तशरीफ ले आए, यानी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वलादत बासादा दा दिन पीर वाला दिन, मगर तारीख कन्फर्म किसे सही हदीस अंदर मौजूद नहीं है,
यानी डेट नहीं, 12, 16, 9, 10, 11 है जी, या मुहर्रम दियां कोई डेटा लिखियां, किसी ने सफर दा महीना मेरे नबी दी वलादत दा लिखिया, जबकि ए वेखो अज तो 100-150 साल पिछे चले जाओ, बंदे यो ही कहणगे यार किसी नूं याद है अपनी तारीख वलादत, पता ही नहीं, ना कोई लिखा जाता सी, ना कोई लिखित पढ़ने वाला निजाम सी लिखने पढ़ने का, ना कोई लिखे पढ़े लोग सन, उदो सिर्फ 14 या 15 बंदे अरब के अंदर वो पढ़े लिखे मालूम होते सन जेड़े मारूफ सन, कोई निजाम ही नहीं ऐसा कि वलादत का कोई दिन लिखा जाए। अल्लाह की भी हिकमत सी कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के दिन नू जी गैब रख के पोशीदा रख के अल्लाह ये दसना चाहते सन, जिवें यहूदियां ते ईसाइयां ने हाँ जी, क्यों यहूदियां ने और ईसाइयां ने हजरत ईसा अलैहि सलातो व सलाम दी यानी तारीख पैदाइश उन्हां दी वलादत वाली तारीख पैदाइश दे दिन नू उन्होंने ईद वाला दिन मनाया, उन्होंने खुराफात कीतियां उस दिन कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वलादत दे दिन नू इहदे अंदर इंसानियत दा, इहदे अंदर जनाब गैरुल्लाह दी शख्सियत दा हाँ जी उहदी पूजा पाठ दा पहलू निकलदा है। अल्लाह ने मेरे नबी दी वलादत दी तारीख नू खुफिया रखिया है, पोशीदा रखिया है, कोई दुनिया दे अंदर रूए जमीन ते कयामत तक वास्ते मेरे नबी दी वलादत दा है जी ओदी डेट कन्फर्म, डेट फला तारीख नू होया 9 रबीउल अव्वल नू या 12 रबीउल अव्वल नू या 18 रबीउल अव्वल नू, किसी ने जनाब 15 भी लिखी है, किसी ने मुहर्रम दी, इमाम जनाब पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी गुनिया तो तालिबीन दे अंदर हाँ जी एक कौल नकल फरमाया है, वो 10 मुहर्रम मेरे नबी दी वलादत दा दिन 10 मुहर्रम दा लिखे है, अंदाजा लगाओ। गौर तलब बातां ने सुनियो, ये चीज़ा जेन नशीन करके जाओ इंशाअल्लाह काम आन गियां, किसी की सलाह का सबब बढ़ेगा और तुहानू कोई कोई तुहाडे ईमान ते डाका नहीं मार सकेगा अल्लाह दे फजल नाल। जी मेरे प्यारे भाई, अलगर्ज मैं दसना कि जनाब दिन कन्फर्म है लेकिन डेट तारीख कन्फर्म, बोलो कन्फर्म नहीं। इस वास्ते इहदे च हिकमत सी कि प्यारे नबी की वलादत के दिन नू हज़रत ईसा अलैहि सलाम की वलादत तरह ईसाइयां तरह कोई ईद वाला दिन न मनांदा फिर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अंदाजा लगाओ। लेकिन यार लोगों ने इहदे बावजूद कोई सही हदीस ना मिलन दे बावजूद अपने कोलों डेट मुकर्रर करके फिर भंगड़े फिर जशन फिर ईद ईदा दे ना रख लै, अल्लाह माफ़ फरमाए। और अल्लाह अकबर अल्लाह, अल्लाह ताला ने दी हिकमत सी कि मेरे नबी दे उम्मती बच जान, क्यों जी शिरक करने तो बच जान, खुराफात और बिदात और रसूमात तो बच जान, जो यहूदी करते ने जो ईसाई करते ने जो हिंदू करते ने ये मेरे पाक नबी दे उम्मती ना करन। अल्लाह ते चाहता सी लेकिन उम्मती ना उम्मती सदान वाले नहीं चाहते, क्यों जी ये सारा कुछ जाहिल होने की बिना से इन्हों पता ही नहीं किसी गल का, इलम तो दूरी दियां बातां ने। इस वास्ते मेरे प्यारे भाइयों गौर करो जरा, अज अज इधर वेखला मेरे तेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वलादत दा दिन 9 रबीउल अव्वल जो बयान किया जाता है वह भी किसी हदीस नाल यानी पुख्ता दलील नाल साबित नहीं है, वो तो सिर्फ काजी सलमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शोरा या वाक किताब सीरत नबी दी रहमत लिल आलमीन दे अंदर बहुत बड़े माहिरे फलकियात रियाजीदान हैदान महमूद पाशा फलकी दी रिसर्च बयान कीती है, उन्होंने ओदी उन्हां दी तहकीक लिखी है अपनी सीरत नबी दी किताब अंदर। ये नहीं उन्होंने कहा कि प्यारे नबी दी है जी जनाब विलादत 9 रबीउल अव्वल नूं हुई, ये भी नहीं किया उन्होंने, क्यों किस तरह कह सकते सन, उते समंदर सन समंदर जिन्हां लोगों नूं पढ़ के लोग अलामे बनते, जिन्हां लोगों नूं पढ़ के अलामे बनते ने लोग, अल्लाह अकबर अल्लाह। उन्होंने एक रिसर्च बयान की है, उन्होंने रिसर्च के सामने भी अज तक दुनिया दियां ज़बानां गुंग ने, कोई बोल नहीं सकिया, उन्होंने रिसर्च नूं कोई झुटला नहीं सकिया, इतने बड़े माहिर सन रियाजी के हिसाब नाल दसिया कि इस साल उन्होंने इन्होंने जमाने तो लैके उन्होंने पिछे हिसाब लाते चले गए, महमूद फाचा फलकी हिसाब लगाते चले गए, 571 ईस्वी अंदर चले गए, रबीउल अव्वल के महीने के अंदर चले गए, वेख्या कि डेटा कि
आंदा है। सोमवार का दिन तो मेरे नबी की जबान चो कन्फर्म है ना हजूर की वलादत का दिन। वह फरमान लगे उस साल रबीउल अव्वल के महीने के अंदर बारह रबीउल अव्वल नू मेरे नबी की वलादत का सोमवार वाला दिन आंदा ही नहीं, या नौ नू आएगा या बारह तो बाद, हाँ जी अगे तारीफ फिर या फिर पंद्रह नू आएगा, ठीक है ना, हाँ जी इस तरीके नाल ओ दिन आंदा ही नहीं। ता उन्होंने रिसर्च करके नौ रबीउल अव्वल किया, बाकी हदीस किसी च मौजूद नहीं, कोई सिका दलील मौजूद नहीं गी पूरे इलमी जखीरे दे अंदर। अल गरज मैं अर्ज कर रहा कि जनाब मेरे तेरे प्यारे महबूब पैगंबर हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे प्यारे नबी बीमारी दी हालत अंदर अल्लाह दे प्यारे नबी फरमा दे ने मुरू अबा बकरिन फल युसल्ली बिन्नास, जाओ अबू बकर नू आखो लोगों नू नमाज पढ़ावे। हजरत ऐशा अर्ज कर दिया ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मेरी तेरी अम्मी अर्ज कर दिया ने या रसूल अल्लाह अल्लाह दे रसूल जी मेरे अब्बा जी अबू बकर ते बड़े रकीकुल कलब ने, वह ते रोई जाते ने तुहाडी बीमारी दा तुहाडी तकलीफ दा सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकते, वह नमाज किवें पढ़ाणगे। उमर जरा दलेर बंदा है बहादुर आदमी है, हजरत उमर नू आखो उमर नमाज पढ़ावे। मेरे नबी फरमा दे रहे अब मेरा अल्लाह इनकार कर रहा है, मेरा अल्लाह नहीं जे मनता जिथे मैं मुहम्मद मौजूद ना होवा अबू बकर मौजूद होवे कोई दूसरा मुसल्ले दा वारस बने। मेरे नबी फरमा दे ने अल्लाह इनकार कर रहे अल्लाह मानता ही नहीं। अबू बकर की मौजूदगी अंदर पूरी उम्मत विचों जिदो जिथे अबू बकर मौजूद कौन होर किसे दी इमामत नू अल्लाह तस्लीम नहीं जे करदा अब अल्लाह इनकार करदा पिया है अल्लाह नहीं जे मनदा। आपने फरमाया मुरू अबा बकरिन फल युसल्ली बिन्नास, जाओ अबू बकर नू आखो लोगों नू नमाज पढ़ावे। सय्यदना हजरत अबू बकर नमाज पढ़ा रहे ने, अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधरों वेखो तो सही मेरे प्यारे नबी दे सहाबा हजरत अबू बकर दे पिछे नमाज शुरू की थी है। अल्लाह दे नबी मुसल्ले ते खड़ोते नजर नहीं आए, सोने नबी दी आवाज़ नहीं आई ते सहाबा सिसकियां भर भर नमाज अंदर सिसकियां, सहाबा आंसू नजर आए उन्हां दियां डुस्कियां दियां आवाज़ आईयां। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वे पल्ला अपने हुजरे मुबारका दी उस खिड़की चो इवें पल्ला परे करके सोने नबी ने अपने प्यारे बावल नजर मारी सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर इमामत दे मुसल्ले ते खड़े रे, साहबा पिछे सभा बनाए हुए लेकिन साहबा दे आंसू गिर रहे ने सिसकियां दी आवाज आ रही ने। एक ए भी तेज तो खबर रवायत गुजरी मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी दी हालत अंदर वारियां जो तब्दील हो रही ने, आज मेरे नबी दी वारी हजरत हफ्सा दे घर रजी अल्लाह ताला आन्हा। कल अम्मा जान मैमूना दे घर अंदर, अगले दिन जनाब हजरत ज़ैनब बिन्त जाज दे घर अंदर, अगले दिन सय्यदा आयशा दे घर अंदर, मेरे नबी दियां वारियां चेंज हो रही ने, वारी दे मुताबक शिफ्ट कीता जा रहा है। अज मेरे नबी हजरत अम्मा जान उम्मुल मोमिनीन अम्मा जी मैमूना दे घर अंदर ने, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनियां सारियां बीवियां नूं इकट्ठियां फरमाया। मेरे नबी फरमाते ने मेरी वो बीवियो हजूर दियां बीवियां ते पहले ही मेरे नबी दी तकलीफ नूं वेख के रो रही ने, पहले ही आंसू जारी ने। अल्लाह दे नबी फरमाते ने मेरी वो बीवियो अगर मैनू इजाजत देवो, हक ने ना उन्होंने, अगर मैनू इजाजत देवो मैं अपनी बीमारी दे आयाम आयशा दे हुजरे अंदर गुजार लवा।
सारिया बीविया ने बखुशी और रजा इजाजत दी है सुनियो सजी राधी राधी जिमें तुहाडा दिल करदा है। अल्लाह दे प्यारे नबी ने हजरत फजल बिन अब्बास नू बुलाया, हजरत अली इब्न अबी तालिब नू बुलाया, एक हाथ हजरत अब्बास दे कंधिया उत्ते, दूसरा हजरत अली दे कंधिया उत्ते। मेरे नबी दे कदम ऐल मुबारक ऐल जमीन ते घिसड़दे जा रहे ने, निशान बनांदियां जा रहे ने। लोगो मैं तू आना उम्मती कलाने सोने नबी दे, नबी नू वेखो कि को जी हालत अंदर मस्जिद नू तशरीफ ले जा रहे ने, लेकिन जनाब हो रही असी तुझी बैठे बैठाए खड़े खड़ोते नमाजा ही छड़ देने आ, नमाजा जाया कर देने आ। मेरे नबी हजूर दे कदम लकीरा बनते जा रहे ने, जिसम का वजन कदम नहीं उठा रहे। मेरे नबी एवं से इनके करीब तो के हजरत अच्छा दे गुजरे वाल जा रहा है, मेरे नबी नू शिफ्ट किया जा रहा है, लजाया जा रहा है। मेरे नबी ने साहबा वाल वेख्या मस्जिद भरी हुई खचा खच, एवं बाहर चौक भी भरे हुए, इतना ज्यादा मजमा लग गया है, साहबा कट्ठे हो गए, हर एक खश गबार है। मेरे नबी ने साहबा दे ठाठा मार दे गए, समंदर बल ने नजर दौड़ाई, प्यारे महबूब फरमाते ने साहबियो उन जिते तुसा सारिया मेरे नाल बड़े एहसान फरमाए, सारिया दे एहसान दे बदले चुकांदा रहा चुकांदा रहा चुका चुकया, मगर अबू बकर ओ जद एहसान दे बदले मैं मुहम्मद दुनिया ते नहीं चुका सकया, अल्लाह को बदले लेके देंगा, यानी दे अजर अबू बकर दे अजर अल्लाह को लेके देंगा। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे कहते उधरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी नू तकलीफ वधदी जा रही है। हजरत आयशा फरमादियां ने रजी अल्लाह तआला अन्हा कहदियां ने मैं जनाब पूरे घर अंदर नजर मारी, घर अंदर ना ही चिराग मौजूद है, ना ही चिराग बालन वास्ते तेल ही मौजूद है। पड़ोसन नू आवाज दे के कहदियां ने भैणे मैनू थोड़ा जिन्ना तेल ही उधारा दे दे, मैं जांदी वारी दिया जला के रज रज के पे अपने महबूब का दीदार ते कर लवा। इवें तरह रात गुजारी, सवेर होई सय्यदिना हसनो हुसैन मौजूद ने, हसनैन करीमैन मौजूद ने, सय्यदा फातिमा मौजूद ने, मेरे नबी दियां बीवियां दुआई कर रही ने। हजरत आयशा फरमा दियां ने मैं दुआ कूड़िया नाल प्यारे नबी नू थामिया होया, आसमाना बने हथ बुलंद करनिया, कहदियां ने अज़ी बिल बसा रब्बन्नास वश्फी अंता शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउ का शिफा ला युगादिरु सकमा। रब जहाना दिया लोगों नू शिफा दे देना है, अल्लाह मेरे मुहम्मद नू भी शिफा था फरमा छड़। इतने ताई मेरे नबी दे हाथ सिद्दीका कौनैन दिया हथा में आ गए, आप फरमाते ने मेरी आयशा दुआ दी बस कर दे, दुआ दे वेले लंघ गए ने। हुण मेरी नबज हकीमा दे हकीम ने फल लईए, दुआवां दियां लोड़ां मुक गईयां ने, दुआ दे वेले गुजर गए ने। इधरों सय्यदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा बार बार आवाज सुन दियां ने, कोई बुआ खटखटा रहा है, जा करके पुछदियां ने ते आवाज नहीं आंदी, जवाब कोई नहीं आंदा। मन दकल बाप आखदियां ने सय्यदा फातिमा, अगो जवाब भी कोई नहीं आंदा, दरवाजे दियां दराजा चो जां करके वे दियां ने ते नजर ही कोई नहीं आंदा। आके अर्ज कर दियां बाबा बार बार कोई बुआ खटखटांदा है, जा करके वे नहीं ते पिछे हट जांदा है, नजर कोई नहीं आंदा, अगो गल भी कोई नहीं करदा। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने पुत्र फातिमा ए ओ ए जड़ा कदे खाली नहीं जाया करदा, फेरावां दियां बाहां फन जांदा है, बच्चे यतीम कर जांदा है, वालदैन दियां गोदियां विचों सोहणे सोहणे फुल खो लै जांदा है। बेटी तेरे अब्बे नूं लवण वास्ते आया है, मगर अंदर उदों आएगा जदों तेरा अब्बा मुहम्मद आउणे दी इजाजत देगा।
कौड़े जदी इजाजत नाल मलकुल मौत अंदर आंदा है एवे आखदे ने वर्गा वर्गा वड्डे भरा वर्गा लाई हुंदी है ना सोणिया ए नबियां दे इमाम ओ हजरत मूसा अलैह सलाम दे बारे अंदर हजरत ईसा अलैह सलाम दे बारे अंदर अगर उन्हां दे बारे च कोई आके हजरत ईसा वड्डे भरा वर्गे ने हजरत मूसा अलैह सलाम वड्डे भरा वर्गे ने हजरत दाऊद और सुलेमान वड्डे भरा जैसे ने ओ भी बंदा दायरा इस्लाम तो खारिज है और नबी इतनी इज्जत नबी दी नहीं हो सकती नबी साढ़े नबियां दे इमाम दे क्या कहने सारे दे सारी सारी कायनात सारी दुनिया दे वड्डे भरा मिल जान सारे जग दे औलिया अल्लाह मिल जान सारे जग दे अजमतां वाले माई बाप मिल जान सारा सारे दे सारे अंबिया मिल के सारा जग मिल के भी सोने आका जनाबे मुहम्मद वर्गा नहीं हो सकता मेरे नबी वर्गा कौन मेरे नबी दी अपनी मिसाल आपने इधर वेखो मेरे नबी फरमान लगे बेटी अंदर उदो आएगा मलकुल मौत अगर मैं मुहम्मद होने की इजाजत दियांगा इतने ताई जिबरील आ गए मलकुल मौत भी नाल ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतां वेख्या हजरत जिबरील नजर आए हजरत जिबरील आदर होके कहंदे ने सोने मैनू अरशा वाले रब ने गलाया है नाल मलकुल मौत मौजूद है अल्लाह अकबर अल्लाह हैं जी ये भी आए हुए ने अल्लाह ने आख्या मेरे महबूब नू पुछो अगर मेरा महबूब दुनिया ते रहना चाहता है फिर सदा रह रवन मेरे महबूब नू पुछो अगर दुनिया ते रहना चाहते ने ते आखो सोने हो सदा रह रहो जे मेरे को आना पसंद फरमाते ने फिर मलकुल मौत बाहर इंतजार कर रहे उन्हें अंदर होने की इजाजत दे दियो अगर सोने उन्हें इजाजत ना देवन ते मलकुल मौत नू आखो वापस चले आवे वापस चला जाए जी जी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने अल्लाहुम्मा अर्रफीकल अला बल रफीकल अला आला दोस्त नू मिलना चाहना ओदी मुलाकात वास्ते बेताबा मेरे नबी ने इजाजत फरमाई है हजूर ने हाथ अगे किया जिमें मुसाफा करीदा है अम्मी ऐसा नक्शा नोट कर रही ने हाथ अगे बताया जिमें किसी नाल सलाम लवीदा है मेरे नबी दात में उतां ही चला गया अल्लाह दे नबी ने गुलामा लौंडियां दे हकूक बयान फरमाए मियाँ बीवी दे हकूक बयान फरमाए मेरे प्यारे नबी ने उस्तादा शगिरदा की तालीमो तरबीयत दे हकूक बयान फरमाए अल्लाह दे प्यारे नबी ने खतीबा ते सामईन दियाँ बातां इमामा ते मुक्तदियां दियाँ बातां मेरे नबी फरमाइयां अल्लाह दे नबी अपनियां वसीयतां नसीहतां जारी फरमाए हुए हजरत दात हौले हौले थले आना शुरू होया पहले ते इंज हुंदा सी मेरे नबी बयान कर दे कोई बात कर दे हजूर दात उठता ही चला जांदा आवाज बुलंद हुंदी चली जांदी चेहरा सुरख हुंदा चला जांदा आप खिताब एवें फरमांदे जिवें कोई बंदा किसे दुश्मन दे लश्कर आने वाले तो डरा रहा है किसे नू इंज मेरे नबी दा आवाज हुंदा हुण मेरे नबी दा हाथ उतां जाने दी बजाए आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू होया दम रुखसत होना शुरू होया है मेरे नबी ने आखरी ते जरूरी ताकीदी बात फरमाई हजरत फरमाते ने दम रुखसत हो रहा है हाथ हौले हौले थले आ रहे है अल्लाह दे नबी फरमाते ने अस्सलात अस्सलात नमाज नमाज ओ लोगो नमाज दा फिकर करिया जे अपनी जिंदगी अंदर मेरे नबी नमाज दी बात करदे सन लोगो नमाज 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 पढ़िया जा तो उतां चलिया जांदा उतां उठता चला जांदा हुण मेरे नबी फरमांदे ने नमाज 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 सहाबी ओ नमाज दा फिकर करिया
जे मेरे नबी दा थल्ले आ गया। अम्मी फरमादियां ने मैं समझ गई जहाना दी रहमत कूच फरमा गए ने। हजरत ऐजा दियां अखां सामण बादों दियां छड़ियां बन गई, रो रही ने, रज रज के चेहरे नू चुमिया, आंसू बहाए, चादर नाल चेहरे नू ठाम छड़े आए। अल्लाह अकबर सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने कम गए हुए घोड़ा दुड़ा के जल्दी नाल वापस आ रहे ने। पता सी ना प्यारे नबी दी तबीयत बड़ी नासाज है। रस्ते अंदर एक बकरियां चारन वाला चरवाहा बकरियां दा छेड़ू डिग डिग जांदा है। हजरत अबू बकर पूछते ने बेटा तैनू की होया, अर्ज करदा ताया जी तुसी नहीं जानदे जनाब रसूलुल्लाह सानू यतीम कर गए ने, अल्लाह दे नबी जुदाइयां दे गए ने। हजरत अबू बकर सिद्दीक जल्दी नाल उजरा सिद्दीका अंदर पहुंचे, चेहरे तो बल्ला खटाया, चेहरे नू चुम्मी जा रहे ने, नाल रोई जा रहे ने। हजरत दे चेहरे ते सिद्दीक अकबर दे आंसू गिर रहे ने, नाले चेहरे नू साफ कर दे ने ते नाले फरमा दे ने सोनिया हाँ जी जेड़ी मौत वारद होनी सी सो चुकी, अज दे बाद अल्लाह तुहाडे ते दो मौतां कदी भी वारद नहीं करेगा। मैं मतलब कि मौत आ चुकी दोबारा मौत नहीं आएगी, दुनिया तो चले गए दोबारा तशरीफ ले जाना नहीं होएगा। सोनिया विसाल हो गया तुहाडा हजूर तुसी रेलत फरमा गए हो। इत्थे वास्ते कसम उठा के सिद्दीक अकबर कहंदे ने रब दी सां अल्लाह दे प्यारे महबूब अल्लाह अकबर तुहाडे ते दो मौत कदी भी वारद नहीं होणगियां। अल्लाह अकबर ला ला ला। इत्थे जनाब सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने चेहरे नूं चुमिया, रज रज के चुमिया, चादर नाल ढक छोड़े, मस्जिद दा मुआयना करते ने, उत्थे कुछ और ही नजारा है। सहाबा अंदर कुरान ही मचया है। हजरत उमर तलवार म्यान चो नंगी करके फिजा अंदर लहरांदिया होया सबां दे दरमियान दौड़े फिरदे ने। नाले कहंदे ने कोई बंदा इहो जिहा लफज बोले हजरत फौत हो गए, मैं उहदी गर्दन उड़ा दियांगा। हर कोई सहमिया होया, हर कोई आंसू बहा रहा है। अल्लाह दे प्यारे नबी दे विसाल ते हजरत अब हजरत उमर आखदे ने प्यारे आका हजरत मूसा अलैहि सलातो वसलाम तरह बेहोश होए ने। अल्लाह दे नबी ना अल्लाह दे नबी दोबारा उठ पैणगे, अल्लाह दे नबी दोबारा जान पर गो जाणगे। हजरत अबू बकर आए वेख के मंदर परेशान हो गए, वाह अबू बकर तेरी इस्तकामत तो कुर्बान जावा, एको जे मुश्किल वेले सब तो ज्यादा नरम दिल इंसान, सारी उम्मत दर की कुल कलब दिल दा नरम। हजरत अबू बकर उस मामले नु संभालन वास्ते कहंदे ने इजलिस या उमर, उमर बैठ जा कमला ते नहीं हो गए। हजरत अर्रहीकुल मखसूम वाले लिखे आए मौलाना सफी रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह तआला कहंदे ने हजरत उमर नु गल ही समझ ना आई। हजरत उमर ना बैठे होशो हवास ही गुमने, हजरत उमर दे हवास ही गुमने, हजरत उमर ना बैठे, हजरत अबू बकर ने इवें सहाबा नाल मुखातब होके खुतबा इरशाद फरमाया, लोग उमर बनो हटे, हजरत अबू बकर दा शान जो मरतबा जो ज्यादा, छोटे बंदे दी मौजूदगी दे अंदर मेरी मौजूदगी अंदर मेरे असातजा को बड़ा बंदा आ जाए, इलम वाला आ जाए, उस्तादा जो को उस्ताद आ जाए, ते फिर मेरी ते हसीयत खत्म होती है, सारे लोग उस बड़े बंदे वाल वेखोगे। हजरत अबू बकर वन्ने लोग मतवजे होए, सय्यदना अबू बकर पढ़ते हैं, इमाम बुखारी ने अपनी सही अंदर खुतबा ने गल फरमाया, मन का ना मिलकुम याबुद मुहम्मदन फइन्ना मुहम्मदन कद मात, जेड़ा बंदा प्यारे महबूब की इबादत करता सी ओदा रब फौत हो गया है, मन का ना
منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت جڑا بندہ اللہ دی عبادت کردا سی او دا رب حی القیوم ابدا ہمیشہ ہمیں زندہ ہے او دی صدا عبادت کرے نال ہی قران پڑھ دے نے او میں محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ان سے ابا نو گل سمجھ آ گئی ایک دوسرے نال گلکھڑیاں پاپا ملتے نے نال رودیاں ہویا کہندے نے او میں محمد الا رسول ہن سارے انو گل سمجھ آئی ہے نالے روندے نے نالے صحابہ اے ویکھو 12 ربیع الاول دا دینے سمجھ آ گئی نا 12 ربیع الاول اور ولادت دا تے کنفرم ہی نہیں سنی لے نا مگر 12 ربیع الاول دے بارے اندر امام احمد رضا خان بریلوی نے بھی ملفوظات اندر لکھے ہے 12 وفات ساری دنیا من دی کیوں جو عام بندہ تے دنیا تو نہیں گیا میرے نبی جدو آئے کسے نوں کی پتا کون نے کیوں جی کسے نوں کی پتا اے نبیاں دے امام بن گئے پتا نہیں جدو دنیا تو گئے تے میرے نبی دی عظمت نو ہر کوئی جاندا ہے شجر حجر جاندے نے ساریاں مخلوقاں میرے نبی دی عظمت دیاں قائل نے ساری انسانیت جن جنو انس و ملائک میرے نبی دی عظمت دے قائل نے الغرض میں دسنا ہے چاہنا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے 12 ربیع الاول صحابہ خواص گم ہو گئے انہاں دے مگر آج کل اس وقت میرے جس ویلے صحابہ چاش دے وقت تو بعد 10 بجے 11 بجے 12 بجے صحابہ دے آنسو نہیں رک دے ہوش و حواس گم ہوئے ہوئے نے صحابہ دیاں سسکیاں نہیں رک دیاں اس ویلے مولویاں سمیت سارے ہی وڈے نبی دے منن دے دعوے کرن والے گلچرے اڑا رہے نے دھمالاں پائیاں جا رہی نے کھا پی کے وہ سونے جے بلا منانی ہے تے روزہ رکھ کے منا نبی پاک نے روزہ رکھیا تو بھی روزہ رکھ یہ کی ہویا کلمہ نبی دا پڑھنا میں ابتدا اندر ٹچ دیتا سی نا جیدا کلمہ پڑھی دا ہے او دی گل مننی دی کلمہ نبی دا پڑھے تے گلاں اپنیاں آپ اپنیاں دل دیاں گلاں مننے تے مناوے اللہ اکبر اللہ اسے واسطے تے میں عرضاں کرنیاں چاہنا ایتھے میرے استاداں نے سارے دے سارے مہام سارے دے سارے دلائل دا نچوڑی کڈے آئے خطیب ایشیا بولے فرماندے نے 12 ربیع دی صبح نور اجالا سی پڑھ دے محمد پیارے اللہم الرفیق العلا سی 12 ربیع دی صبح ہاں جی عائشہ نے ہاتھ چکے منگ دی دعا اللہ میرے محمد تائی دے دے شفا حکم میرے اللہ دا پورا گھومن والا سی 12 ربیع دی صبح ماں فاطمہ اللہ در ویکھنا ہتھا وچ ہتھ آ گئے نور الخدا دے نور ہدایت کون نے حضرت محمد محمد صلی اللہ ہو زور نال کہہ دو ذرا صلی اللہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم ہتھاں وچ ہتھ آ گئے نور الخدا دے بس کر دعا دی عائشہ وقت آ گئے قضا دے حکم میرے اللہ دا کلے نہ والا سی 12 ربیع دی صبح دنیا یاد رکھے گی میرے استاد خطیب ایشیا نو کیا کا کیا کام کیا جب فرما دے نے ماں فاطمہ آئی وندی ابا پیارا وا کرو بابی کیڈا دکھ کے بارا آ گیا نیڑے نیڑے اجل پیالا سی 12 ربیع دی صبح کہندا بلال سونیا میں مر جاوندا
रात एक खतीब मेरे तो पहले जड़ा वाला अंदर खिताब कर रहे सन, कहते चल सैयदना बिलाल। उस वेले अरबी अंदर कलाम कर दे सन, अल्लाह ए वक्त ना मिखना पैंदा, नबी दी जुदाई वाला सदमा ना सहना पैंदा, बिलाल कोले पहले ही अल्लाह बिल्कुल मौत खल देंदा। अल्लाह बिलाल नू काला नाग लड़िया हुंदा, बिलाल उते ही टिटर करके उते ही जनाब साहब मुक जांदे, उते बारे सी मगर नबी दी जुदाई वाला सदमा बर्दाश्त नहीं जे हुंदा। कहिंदा बिलाल सोनिया मैं मर जावदा, तो हड्डी जुदाई वाला लिखण वाले भी ने कमाला ही कर दितिया। कहिंदा बिलाल सोनिया मैं मर जावदा, तो हड्डी जुदाई वाला सदमा ना पामदा, जिंदा हमेश कारी रब तालाई, बारा रबी दिस वो नू नूर उजाला सी, पर्दे मुहम्मद प्यारे अल्लाहुम्मा अर्रफीक अल आला सी, बारा रबी दी सुबो अलगरत मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे नबी दुनिया तो तशरीफ ले गए, मैं तो इतनी बात कहना कि मेरे प्यारे वीर मेरी इस गल का जवाब दे दे, एक गल का जवाब दे दे। आज तो कई साल पहले, सन 84 तो पहले किसे दुनिया दे किसे इंसान नू रूए जमीन ते बसने वाले किसे मुसलमान नू इस गल दा पता ही नहीं सी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा है जी 12 रबी अल्लवल नू मेरे नबी दी वलादत होई, ते या कोई जुलूस कढ़िया जांदा होवे या कोई दिन मनाया जांदा होवे या ईद दा दिन। सन 84 तो बाद यार लोगों ने उस तो पहले छुट्टी होंदी सी है जी 12 वफात की, बड़े हो तो उन्हें पता होएगा 12 वफात की। मास्टर साहब हाफिज अल्लाह दिता साहब तुसी ते चंगी तरह जानते हो इन्हां बातों का, तुहानूं तेले में कि 12 वफात की छुट्टी असी भी छोटे छोटे होंदे उस जमाने च सानू भी पता, सानू भी पहलियां दूसरियां क्लासां च पढ़ते सो उदो जनाब 12 वफात की छुट्टी जामिया सल्फिया च दाखले तक इंज ही रहा, सन 81 च असी आण के दाखिल होए उदो तक इंज ही रहा कि 12 वफात की छुट्टी। ये 12 वफात तो 12 मिलाद यकदम किवें बन गई? सन 84 च फिर वही नाजल होगी किसी दिन। हाय हाय अल्लाह अफसोस अफसोस है मेरे नबी दा, आसमाना तो उतरिया होया दीन उहदे अंदर इजाफा किया जा रहा है, दीन दे अंदर मिलावटां कीतियां जा रही ने, बिदात जा रही। इन्हां नूं यह नहीं 12 वफात वाले दिन वफात का नाँ लैके हाँ जी गम मनाना पैंदा सी, हाँ जी गमजदा होना पैंदा सी। मौलविया ने कहा यह कि गल है, खाण पीण नूं लभदा कोई नहीं है जी, वफात का ना उल्ट करके मिलाद रख दो, किहड़ा किसे ने पुछना है? उधर तो पुछण पछण वाली गल ही कोई नहीं, 12 मिलाद वेखो पुछण वाली गल होती, कोई एक बंदा पुछता कि मौलवी साहब है की है ये वफात तो मिलाद किवें बन गई, कोई दलील दो, दलील तो उधर है ही कोई नहीं, दलील वाली तो गल ही कोई नहीं। दलील ये है जिहड़ी जिहड़ी दिल च आई तो दलील बन गई, दिल च जिहड़ी आई वह दलील बन गई, बाकी कुरान हदीस की कोई दलील कोई सनद नाल ना कोई ऐत ना कुरान ना तो ना प्यारे नबी की हदीस वाली मसले कोई ऐसी बात है, हाँ जी। लेकिन गल सुन लो, ओ मुसलमान जिद्दी नहीं हुंदा, तज्जद दी अज़ान बुजुर्गो कहंदे हो कि नहीं कहंदे हो? लेकिन असी कहना छड्ड दित्ती है, क्यों तारी साहब? असी कहना साडियां मस्जिदां च भी तज्जद दी अज़ान हुंदी सी, असी छड्ड दित्ती। मुसलमान जिद्दी नहीं हुंदा, क्यों जी? तज्जद दी अज़ान दा सबूत कोई नहीं सिरे तो, हाँ जी। ये कयास करके उलामा ने दस दिता, शुरू हो गई बात। यह जिहड़ी सहरी दी अज़ान है ना, सहरी दी हाँ जी, जगाण वास्ते सहरी करने वास्ते अजान जायज है, रोजियां च कह सकते हो, रोजियां तो बाद इहदा जवाज को नहीं, असी रोजियां तो बाद छड्ड दित्ती। मुसलमान जिद्दी नहीं हुंदा, अगर उहदे कोल दलील ना होवे ते अपनी गलती का इतराफ करके गलती नूं छड्ड दिंदा, क्यों जी? सही बात नूं फड़ लैंदा। लेकिन ये पता नहीं किहो जे मुसलमान, किहो जे मुसलमान ने जिहड़े अपने जिद तो बाज ही नहीं आंदे। बरकैफ सानू उत्थे रुक जाना चाहिदा है, अपनी बात ते रजू कर लेना चाहिदा है,
अपनी गलत बात नू छड़ के सही बात रसूलुल्लाह दी सुन्नत दे मुताबिक उहदे मुताबिक अपना अमल शुरू कर देना चाहिए। अपनी मर्जी नाल अपना दीन नहीं बनाना चाहिए। कोई गलती हो जाए, गलती नाल कोई काम शुरू हो जाए, उहनू खत्म करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। हाँ हाँ, वरना बिदात इंजी ते बिदतां बणदियां ने, बिदात जारी होंदियां रहिंदियां, नवीं ते नवीं आंदियां रहिंदियां ने। जदों रिसर्च और तहकीक की बात खत्म हो जाए, इवें ही हुंदा ना जिवें दूसरी पार्टी बने होया पिया, कोई पुछण दसण आला नहीं। चलो बिलफर्ज मान लो कि बारह मिलाद है, विलादत की बारह तरीक मान लो थोड़ी देर वास्ते। इत्थे एक मसला समझो कि जनाब मिलाद बारह है, मौली अहमद रज़ा खां बरेलवी ने मिलाद भी लिखी है बारह मिलाद, विलादत कोई सनद नहीं लिखी, वैसे ही क्या वैसे उन्होंने लिख दिता अपनी मलफूजात अंदर। अच्छा चलो असी मान लिया थोड़ी देर वास्ते, तो मिलाद मिलाद होंगी बशर दी है, नूरिया की तो मिलाद होंगी नहीं। दसो जिबरील की विलादत हो भला नहीं, जिबरील अलैहिस्सलाम दे उहदे वालदैन हैगे ने नहीं, भैणा भरा बीवी उन्हां दी नहीं, तो फिर मां नहीं। अल्लाह अकबर अल्लाह, और ते फिर नाले नाले नूरी बशर नहीं, नाले बशर नहीं, खाकी नहीं, तो नाले मिलाद ओ नूरिया दा, नूरिया दा ते मिलाद उन्हां दी विलादत होंदी ही नहीं। क्यों जनाब? एक बात। दूसरी बात यह है कि सुने एक झूठी रवायत है, अव्वलु मा खलक अल्लाह नूरी, रवायत मौजू है, मौजू कहते मन घड़त नू, मन घड़त कोलो बनाई हुई कि सब तो पहले अल्लाह के नबी फरमाया मेरा नूर पैदा किया गया। अच्छा नूर पैदा किया गया तो फिर मिलाद नहीं, विलादत खाकियां दी होंदी है ना, विलादत ये बशर दी होंदी है। तो जे नूरी जे इस हदीस नू वो सही मान लैन, उन्होंने तो सही मनिया तो ढंडोरा पिटिया ना सारी दुनिया से। हालांकि यह ज़ईफ रवायत भी नहीं, मन घड़त है, मौजू जिन्हों कहते हैं वजह की हुई, खुद खुद साखता खुद घड़ी हुई रवायत। तो अगर उन्होंने उस रवायत को अपनी इस घड़ी हुई रवायत को मान लैन तो फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जी, जे नूरी नहीं, नूरी ने तो खाकी नहीं, तो फिर मिलाद भी नूरिया का मिलाद, नूरिया की विलादत होंगी? पुछो पुछो जाके, मैं तो सवाल तुहाडे अगे रख दिते ने। इस वास्ते मेरे प्यारे भाईओ तवज्जो फरमाना जरा, मेरे नबी सल इन्हां नूं इन्ना नहीं पता कि एक नाँ की तस्दीक कर लैन। कहिंदे ने जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुध पिलाने की मुद्दत, यानी दूध पीने की मुद्दत अंदर हजरत हलीमा सादिया हैं जी, हलीमा सादिया को हैं जी, और रह जे हलीमा सादिया को दुध पीने वास्ते अल्लाह के नबी गए ने, हजूर नूं लजाया गया, तो फिर मक्के च तो नहीं सड़ना नाले हाजर नाल मेरे नबी दा जंगा ते जाना, जिहाद ते जाना, मेरे नबी दी मक्के हिजरत, मक्क्यों मदीने हिजरत, मेरे नबी दियां वारियां मुकर्रर ने अपनियां बीवियां कोल, एक बीवी कोल होंदे ने ते दूसरी कोल नहीं, ते फिर हाजर नाजर किधर होया? सारा कुछ बयान भी कीते जांदे ने हजूर मिराज ते गए, फिर बयान ही ना करन के हजूर ते पहले ही उत्थे ने, इत्थे भी ने, उत्थे भी ने, जिवें अल्लाह हाजर नाजर ने नबी, इह ते शिरक शिरकिया कीता। ते जे फिर ये अल्लाह के नबी हर जगह से मौजूद है, हाजर नाजर ने, तो फिर आना तो जाना कैसा? क्यों जी? ये चंद एक सवालात ने जिन्हां नूं तुसीं जनाब पूछ सकते हो, दस सकते हो। मेरे प्यारे भाईओ, शादियां ब्याहां ते अपने बच्चे की शादी होवे ना, बच्चा पैदा होवे या खुशी दे अंदर आके हज़ारां रुपये, हज़ारां कई लखां खर्च कर देंदे ने, कई करोड़ां खर्च कर देंदे ने, ते जिस वेले नबी की विलादत ये खुशी मनाई जाए उसले सारे मंगना शुरू कर देंगे ने, उत्थे उत्थे रस्सियां बनिया हुई, उत्थे जनाब अगो रोक के खड़े ने, है जी एक जगह पर रोकया एक बंदे ने, है जी बच्चे, मैं क्या कहंदा जी बार चंदा दे बारह मिलाद, मैं क्या उस दिन तेरी माँ मरी सी, वो फौरी तौर पर पिछा हो गया हट के। है जी गल करन दा मकसद है, वेखो की तमाशा की लाया, कम अज कम कोई बंदा एक अद्धा तो होवे ना पूरी मखलूक अंदर जिहड़ा कोई लफज जानदा होवे, को पढ़िया लिखिया ये रोकया जाए। इस वास्ते मेरे प्यारे भाइयों हैं जी, अल्लाह दे प्यारे नबी ने हैं जी खुशी मनाण तो, सालगिरह मनाण तो मना फरमाया, तीन दिन दिनों तो ज़्यादा गम मनाने तो मना फरमाया। साहबा का हाल तुम वेख लिया की सी, लेकिन अगले साल तो इंज नहीं ना किया,
कहते ने कई मौलवी कह गए तुम गमी मनाया करो, अगले साल इंज नहीं किया। इस वास्ते जितने नबी का दौर, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली का दौर, फिर जनाब अइमा कराम इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इन अइमा का दौर आया। क्यों जी 600 साल गुजर गए, 6 सदियां गुजर गई, नामो निशान नहीं सी। तो हुण इस काम नूं जिहड़ा बाद अंदर शुरू करने वाले कहते हैं शैतान के अलावा सब खुशियां मना रहे हैं। ये काम तो हजरत अली ने भी नहीं किया, हजरत अबू बकर ने भी नहीं किया, नबी ने भी नहीं किया, माज अल्लाह पीर अब्दुल कादर जलानी ने भी नहीं किया। उन्होंने तो भी 100 साल बाद बिदत शुरू हुई है। तो फिर वह कौन सन जे ये काम करने वाला मुसलमान है तो दूसरे सारे शैतान ने, तो वह कौन सन? बस इन्ना सवालों का जवाब है। 2-3 सवाल मैं हाँ जी जांदियां सुट दिते ने, टाइम तो नहीं सी। तो अल्लाह तबारक व तआला समझ दी तौफीक अता फरमाए, समझ देवे, अल्लाह तौफीक देवे सही बात नूं समझने दी, एक्सेप्ट करने दी।